जी बोलो। पोगो वो क्या बोलो? आज रामनवमी है ना, तो हम आपके घर आपकी बेटी को लेने के लिए आए थे, क्योंकि हमने आज कन्या जमाई है, इसीलिए तो फिर अपनी बेटी को हमारे साथ हमारे घर भेज देंगी। मेरी बेटी को ले जाने से क्या हो जाएगा? तो कहते हैं ना कि नौमी वाले दिन कन्याओं को खिलाने से लक्ष्मी माता प्रसन्न होती है। अच्छा, ऐसा सच में होता है क्या? कन्या को पूजने से, उसकी इज्जत करने से लक्ष्मी जी, भगवान जी खुश हो जाते हैं क्या? हाँ, हो जाते हैं। अरे वाह, बहुत अच्छी सोच है तुम लोगों की तो। अरे आप ऐसा क्यों बोल रही है? ऐसा क्यों बोल रही हूं? अरे भाभी जी नमस्ते। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी कहाँ कर रहे हो, बस नमस्ते ही तो किया आपको। सुना है सोसाइटी के अंदर नई आई हैं आप। हाँ, नए आए, हटो यहां से। भाभी जी, अगर कभी भैया घर पे ना हो ना, तो आप हम लोगों को याद कर लेना, और अगर आपको कोई भी काम हो ना, तो आपके एक बुलाने पर ना हम दोनों भागे भागे चले आएंगे। देखो, तुम लोगों का बहुत ज्यादा हो रहा है अब। अरे ज्यादा कहाँ हुआ है, और वैसे ही बहुत ज्यादा ही प्यार करते हैं हम आपसे। एक बार सेवा का मौका जरूर दीजिए हमें। भाभी हटो यहां से, बदतमीज। जी, अगर आपको कभी कोई काम हो ना, आपको हमेशा यहीं खड़े हुए मिलेंगे, बता देना। लाइफ टाइम के लिए ऑफर है, वेट कर रहे हैं आपका। बाय भाभी जी। तुम लोगों को क्या लगता है, एक दिन लड़कियों को खिलाने से, उनकी पूजा करने से, उनकी इज्जत करने से भगवान या लक्ष्मी जी खुश हो जाती हैं? लक्ष्मी जी तुम्हारे घर आ जाएंगी? अरे तुम जैसे लोगों के घर तो मैं अपने कुत्ते भी ना भेजूं, और तुम मेरी बेटी की बात कर रहे हो? एक दिन लड़कियों को पूरा सम्मान दो, उनकी पूजा करो, उनकी इज्जत करो, और पूरे साल उन लड़कियों को परेशान करो, ये कैसा दोगलापन है तुम लोगों का? ऊपर वाले को खुश करने के लिए ना कोई भी दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम सच में लड़कियों की इज्जत करते हो ना, तो किसी लक्ष्मी की पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है। लक्ष्मी जी अपने आप तुमसे खुश हो जाएंगी। खैर, तुम जैसे लोग कितना भी कुछ कर लो, ना तो भगवान और ना ही लक्ष्मी जी, कोई भी तुमसे खुश नहीं होगा। और अगर तुम लोग सच में चाहते हो ना कि लक्ष्मी जी या भगवान जी तुमसे खुश हो, तो सबसे पहले लड़कियों की इज्जत करना सीखो। लेकिन नहीं, तुम लोगों को तो सिर्फ रामनवमी वाले दिन ही राम बनना होता है, और बाकी दिन हैवान है ना, यही है ना तुम लोगों का? मुस्कान कौन है? वो सोसाइटी से कुछ लोग आए हैं, मैंने तुम्हारा ब्रेकफास्ट लगा दिया, तुम चलो। तुम जानते हो मेरे हस्बैंड पुलिस में, मैं चाहती तो उन्हें उस दिन वाली बात बता सकती थी, पर मैंने पता क्यों नहीं बताई? क्योंकि जेल जाने से कोई भी इंसान नहीं सुधरता जब तक उसकी खुद की सुधरने की इच्छा ना हो। और हाँ, आज तो तुम लोग मेरे घर आ गए, पर दोबारा यहां आने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं तो क्या, सोसाइटी का कोई भी आदमी तुम्हारे घर अपनी बेटी नहीं भेजेगा। और वैसे भी भगवान ने तुम्हारे घर बहन सोच समझ कर नहीं दी होगी ना, क्योंकि भगवान बेटियां उनके घर देता है जो लोग उन बेटियों की इज्जत करते हैं, उन्हें सम्मान देते हैं, उनका पूरा ध्यान रखते हैं। और वैसे भी अगर भगवान ने तुम्हारे घर बेटी नहीं भेजी, बहन नहीं भेजी, तो मैं कौन होती हूँ अपनी बेटी को तुम्हारे घर भेजने वाली? हाँ मुस्कान कहाँ रहेगी, आ जाओ। बस आ गई मैं। धन्यवाद।